हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हो? हम आपको दिखाने रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान अपने कमरे में आता है तो उसके छोटे भाई को देख के खुश होता है, उसको देखता रहता है, उसको बोलता है कितना क्यूट लग रहा है। वहीं रूही अपनी फ्रेंड से कुछ बातें करती है तो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, आप एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं। वहीं उसके परिवार में, अरमान के परिवार में रोहित से बोलते हैं ये मिठाइयाँ गोविंदास के यहाँ के भेजनी है, तो उनसे पूछता है क्यों इतनी मिठाई गोविंदास को, क्यों 100 किलो की मिठाई इतनी। तो वहीं आपस में दो हंसते रहते हैं, मजाक चलती रहती है उनके बीचों में, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। तो वहीं अबीरा कुछ सपना देखती है तो उसके सपने में वो गुंडा आता है तो उससे कुछ धमकियाँ देता है, उससे बातें करता है। वो सपने में इतनी डरी रहती है कि उसको लगता है कि हकीकत में हो रहा है। तो वहीं सपने में वो गुंडा उसको छेड़ता है तो वो बंदूक उठाता है, उसकी माँ की गोली तान देता है। तो वहीं अबीरा डर के मारे अपनी आंखें खोलती है, तो वो सोता है तो देखती है सपना था। तो वहीं अक्षु वहाँ पे आती है तो उसको बोलती है क्या हुआ, कुछ सपना देखा था क्या? तो बोलती है हाँ माँ, मैंने सपना देखा था। वहीं सपने में बोलती नहीं डरो, नहीं ये हकीकत है, सपना नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो उसको चुप कराती है, गले से लगाती है। तो आपस में एक दूसरे के डरे हुए सहमे सहमे से रहते हैं, एक दूसरे को गले लगाते रहते हैं। उसको तसल्ली देती है नहीं मेरी होती तो मैं कुछ नहीं हो सकता। फिर उसको चुप कराने के बाद उसको शांत करा के बैठ जाती है। तो वहीं आपस में बहस होती है, अरमान अपनी दादी सास से कुछ डिस्कस करता है तो बोलती है मना कर देती है हर चीज़ के लिए, बोलते क्यारा को कराना है तो वो तो उसको ऐसे ही पसंद नहीं करती। तो उसको बोलती है कि सौतेला तो सौतेला ही होता है, अपना खून तो अपना खून ही होता है। तो इसलिए उनका आपस में बहस होती है। तो देखते रहे, आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वो दादी से उसको पसंद करती है नहीं करती है, देखिए आगे।